नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होगा लाल रंग से, उसको दबा करके आप जब दबा देंगे उसको सब्सक्राइब हो जाएगा तो वो काला हो जाएगा। इसके बाद में वहीं पर एक घंटी जैसा बटन आएगा, उस घंटी जैसे बटन को दबा करके आप बेल आइकन को ऑन कर देते हैं, जिससे जब भी हमारे चैनल का कोई नया वीडियो आएगा तो उसमें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और तुरंत ही आप हमारा ये चैनल और इसके वीडियो को देख पाएंगे और जो भी अच्छी से अच्छी जानकारी है वो चैनल आपको नित्य प्रति प्रदान करता ही रहता है। तो मित्रों, आज का विषय है कि जो दवाइयाँ या जो काष्ठीय औषधियाँ हैं या जो छोटे पौधों की औषधियाँ हैं, उनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनको छाया में सुखाया जाए और इसकी खोदने की विधि क्यों है, क्या है और कैसी है और क्यों करनी चाहिए। तो मित्रों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुराणों में और वेदों में यह बात कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने पेड़ पौधों को अपने रोम की, यानी लोम, जो ये छोटे छोटे बाल होते हैं ना त्वचा पर, ये रोमों की उपाधि दी है। ये भगवान के रोम हैं, यानी कि इसमें ईश्वरांश है। और एक पौधा या एक पेड़ जो है कभी किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता है, इसलिए इन पौधों को देवता की भी संज्ञा दी जाती है। ये तो हो गई आपकी पौराणिक बात। अब दूसरी बात इसमें आती है कि इनको खोदने की विधि क्यों बनाई गई। तो खोदने की विधि इसलिए है कि देखिए, इनमें भी जान होती है, इसमें भी प्राण होते हैं, हालांकि ये अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते, ये चिल्ला भी नहीं पाते। आप किसी वृक्ष को या किसी पौधे को खत्म कर दें, काट डालें, लेकिन ना तो वो चीखता है और ना ही चिल्लाता है, ना ही वो दर्द अपना व्यक्त कर पाता है। इसके अलावा इसमें ये क्षमता जरूर होती है कि आप अगर थोड़ा भी उसको छोड़ देंगे तो तुरंत ये दोबारा हरा हो जाएगा और ये अपने जीवन को बचा लेगा। तो चूंकि इनमें ऐसी परिकल्पना की गई कि इनमें दैवीय अंश है, इस दैवीय अंश के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हमारे साहित्य में ये कहा गया कि वो पेड़ पौधे भी जीवन से युक्त होते हैं, तो जब इनका कोई अंश लिया जाए, इनका फूल लिया जाए, इनका फल लिया जाए, इनके पत्ते लिए जाए, इनकी छाल ली जाए, इनकी जड़ ली जाए, तो इनके प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापित ही की जाए, जिससे कि वह अपने आप में, हम उनके जो ऋणी हैं, ऋण तो नहीं उतार सकते लेकिन कुछ न कुछ उसका पाप हमारा कम होता है। इसलिए बताया गया, अब जैसे ज्यादातर औषधियों को ऐसे ही लोग प्रयोग करते हैं। अच्छा यह है कि जो लोग एक तांत्रिक विधि से, वेदोक्त विधि से उखाड़ते हैं या काटते हैं, उसका एक अलग विधान होता है। जैसे कि शाम को उस वृक्ष में गए, नीचे जा करके दीपक लगाया है, सिंदूर लगाया, उसमें दीपक और ये अगरबत्ती लगा दी और रोली इत्यादि, अक्षत कुमकुम और थोड़ा सा प्रसाद रख दिया और वहां प्रार्थना की गई कि हे वृक्षराज, मैं आपके पास सुबह आऊंगा ब्रह्म मुहूर्त में, और दक्षिणा भी रख देते हैं उसमें एक दो रुपया। अब पहले 1.25 रुपया चलता था, अब तो 1.25 रुपया चलता ही नहीं है, तो कुछ दक्षिणा रख देते हैं। तो उस वृक्ष का जो अधिष्ठाता देवता होता है वो प्रसन्न होता है और सुबह जाकर के बिना लोहे का या बिना धातु का कोई हथियार, जैसे खैर की लकड़ी का चप्पू बना लिया जाता है खुरपी की तरह, उससे खुदाई करते हैं। तो ये प्रक्रिया करने के बाद में उस समय ये भी भावना रखी जाती है कि जिस
जिस तरीके से आपको ब्रह्मा ने खोदा था, भृगु ने खोदा था, है ना, इस प्रकार से देवताओं ने आपको खोदा, वैसे ही मैं खोद रहा हूँ। हे औषधि, आप मेरे साथ चल करके मेरे मनोरथ को सिद्ध करें, इसके बाद आपका स्वर्ग गमन होगा। ये उसका श्लोक का भावार्थ है। जो लोग इस श्लोक नहीं पढ़ सकते वो भावार्थ से काम चला लेंगे, तो ये करके फिर उसको खोदते हैं। और अच्छा तो ये रहेगा कि उसमें सूर्य की जो रोशनी है वो न लगे, क्योंकि देखिए जब तक वो पेड़ पौधा को जिंदा रहता है जब तक वो, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण से उसमें ऊर्जा आती है। इसलिए उसमें जब ये आपने ले लिया, अब उसको अगर आप धूप में ले जाएंगे तो चूंकि उसको कहीं से रस इत्यादि तो मिल नहीं रहा है, तो जब रस नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस करके भी वो क्या करेगा, ज्यादा दिन ज्यादा ऐसे, एक तो उसको आपने मारा, ऊपर से उसको और तड़पा के मार रहे हैं, ये लॉजिक। तो अब उसमें क्योंकि छाया में सुखाएंगे तो उससे औषधीय गुण उत्पन्न होते हैं उसमें, जब धूप में रखेंगे तो जल्दी सूख जाएगा और ज्यादा कड़ापन आ जाएगा, तो उसको पीसने में कूटने में आपको दिक्कत होगी। एक तो ये है, दूसरे ये कि सूर्य की रोशनी जब कटने के बाद पड़ती है उसपे, तो फिर वो जो क्रिया होती है जस्ट उसके उल्टा क्रिया होने लगती है, जिससे उसके पौष्टिक तत्व जो आप लाभ चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाते। तो इसलिए उसको कहा गया कि धूप में न रखें, और इसलिए ये खोदने का विधान बताया गया। और एक बात है कि अगर किसी, जैसे आपने देखिया किसी पेड़ कोई गिर गया या काट के डाल दिया, वहां पर अगर धूप में पड़ा है तो आपने देखा होगा कि वो पेड़ फिर से उसमें नए नए कल्ले अंकुर फूटने लगते हैं, और उस जो बड़ी जो बड़ा एक वृक्ष का पूरा गिर पड़ा है या काट दिया गया था, वहां से नए नए अंकुर फूट करके उससे एक पौधा, जब तक कि वो पूरी तरीके से लकड़ी सूख नहीं जाती, तो उसका गुण होता है स्वाभाविक कि वो कुछ ना कुछ करती रहती, तो वो जीवित बना रहता है। और उससे काफी, मैंने देखा है कि काफी बड़े बड़े तक उसमें उगाते हैं, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि बाद में उसको लोग वो भी तोड़ देते हैं। तो अगर इसको आप छाया में रखेंगे तो औषधीय गुणों का जो वहां पे नुकसान नहीं होगा, और वो धीरे धीरे वृक्ष डाल है या जो भी है सूख जाएगा। इस प्रकार से फिर वो छाया में ही इनको आराम से धीरे धीरे, अब आजकल जैसे पल्वराइजर आ गए हैं, उनसे दवाइयां कूटी पीसी जा रही हैं, तो वही होता है। जैसे कि आपने ये जो गेहूं है, गेहूं पिसवाते हैं आप, तो जैसे पहले माताएं बहनें हाथ से चक्की पीसती थी, नित्य प्रति वो चक्की पीसती थी, और उसी से घर का भोजन, और धान भी अपने ही हाथों से कूटती थी। आप लोग जानते हैं एक मूसल होता था, उस मूसल से कूटती थी। तो धान में कुछ लाल या पीले रंग की जो एक परत होती है वो नहीं हट पाती थी, लेकिन जब किसी के घर में वो चावल बनता था तो उसके आसपास के घरों में भी महक आती थी चावलों की। आज आपके घर में ही महक नहीं आती, फिर प्रजातियां ऐसी पैदा की गई कि उनमें महक आवे, लेकिन वो चीज नहीं। अब गेहूं घर में जो माताएं बहनें पीसती थी या चावल कूटती थी, उसमें पोषक तत्व होते थे, तो ये कहने की बात नहीं है। आप देखिए आज की जो जनरेशन है उसकी लंबाई भी कम है, आज की जो जनरेशन है उसका शरीर भी उतना पुष्ट नहीं है। पुराने जमाने के लोग मोटा झोटा खाते पहनते जरूर थे, लेकिन शरीर के वो मजबूत हुआ करते थे और ज्यादा दिनों तक निरोग रह करके जीते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र लगभग 100 साल से ऊपर भी है, कुछ 100 साल के पास पहुंच गए हैं, और वो लोग जीवित हैं और स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
और बहुत से लोग हैं जो अत्याधुनिक, जिनको फैशन ने आ घेरा है, जो जितना फैशन में पड़ा उतनी जल्दी बूढ़ा हो गया और मर गया। आजकल 50 से लेके 60 के बीच में और 65-70 के बीच में लोग मर जाते हैं। क्यों? उसका यही कारण है जो कि प्राकृतिक रूप से जो कुछ हम करते थे प्रकृति से दूर हो गए और हर काम मशीन पर छोड़ दिया। मशीन से आपने आटा तो पिसवा लिया, लेकिन जो उसके पोषक तत्व थे एकदम जल गए, ज्यादा प्रेशर बन गया और उस प्रेशर के बनने के कारण वहां पे जल गया, तो उसके वो चीज नहीं रही। अब यही अगर किसी हाथ की चक्की में कूटा गया होता, उसमें स्वाद भी होता, थोड़ा मोटा होता, उतना पतला आटा नहीं होता, उतना मैदा नहीं बनता, लेकिन वो पौष्टिक होता। इसलिए प्रकृति की ओर दौड़िए। तो खैर, विषय ये था कि कैसे हम इन दवाओं को ऐसे करते हैं कि दवाओं में हम क्यों ऐसा करते हैं कि वो छाया में सुखाई जाए या विधिवत उखाड़ी जाए। तो आशा है कि आपने ये सब समझ लिया होगा, सुन लिया होगा। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी अन्न है, चाहे वो उड़द हो या मूंग हो, चना हो, मूंगफली हो, गेहूं हो या कोई और अन्न, या जैसे मसूर की दाल इत्यादि है, तो इनको अंकुरित करके जो खाने की परंपरा है, इससे क्या लाभ है? एक अनुमान के मुताबिक, बल्कि एक शोध है कि जब कोई जनन होता है, प्रजनन होता है, तो वहां पे ताकत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो अब बीज को अंकुरित होना है, अंकुरित होके जड़ उसकी आई, तो जो सामान्य तौर पे जो उसकी शक्तियां थी, तो जब वो पौधा अंकुर बनेगा उस समय 6 गुनी शक्तियां उसमें अपने आप समाहित, ये प्रकृति की देन है। उस समय अगर उसको खाया जाए तो ज्यादा लाभ करता है। इसलिए चना, गेहूं और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको कि भिगो करके उनको उनकी अंकुरित होने का इंतजार किया जाता है, और अंकुरित होने के बाद में उनको कच्चा ही खाया जाता है, जिससे कि उनका सारा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है और कई रोगों का शमन भी होता है। तो और जब इनको खाना चाहिए तो छिलका नहीं हटाना चाहिए, और जितना हो सके उतना चबा चबा करके खाना चाहिए। एक आम बात कही जाती है डॉक्टरों के द्वारा भी, वैद्यों के द्वारा भी, कि मनुष्य के शरीर में 32 दांत होते हैं, तो एक ग्रास को कम से कम उसको 32 बार तो चबाना ही चाहिए, तभी उसका रस ढंग से निकलता है और वो पाचन के लिए अत्यधिक उपयुक्त हो जाता है। आज इस प्रकार से ये कार्य करने से औषधियों की उपयोगिता बनी रहती है। तो आगे जब भी आप कोई दवा वगैरह लेने जाएं, तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने परिश्रम को व्यर्थ होने से बचाएं। धन्यवाद।